नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट यानी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे YouTube चैनल पे धड़ाधड़ कॉमेंट किए जा रहे थे, सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए जो कि हमें जीरो इन्वेस्टमेंट से हम पैसे कमा सकते हैं। तो उसी टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसे कहाँ कमाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है एपी मनी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी करती है क्या, ये कंपनी रिचार्ज का सर्विस देती है। इसका एक पोर्टल है और एप्लीकेशन भी है। आप चाहे तो पोर्टल के माध्यम से भी रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हैं या इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको कमाने का जो तरीका है वो आपको कई तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक रिटेलर बन करके आप पैसे कमा सकते हैं। रिटेलर बनेंगे तो आपको क्या करना है, उसमें पैसे को ऐड करना है और पैसे ऐड करके आपको रिचार्ज करना है। तो सबसे पहले आपको हम बात करने वाले हैं, एमएससी रजिस्टर्ड कंपनी है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले है। और ये कंपनी 10 साल पुराना है और इसमें मिनिमम बैलेंस आप 10 रुपये करके आप ऐड कर सकते हैं। यानी आपको 10 रुपये का रिचार्ज करना है तो आप 10 रुपये ही ऐड करें और रिचार्ज कर लें। आपके पास इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप रिचार्ज करिए पहले, उससे कमीशन पाइए, फिर से रिचार्ज कीजिए, फिर से कमीशन आपको मिलेगा और उस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये तरीका था आपको रिटेलर बन करके। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको भी कमीशन मिलने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, आपको रिटेलर क्रिएट करना है। आप जितना ज्यादा रिटेलर क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कमीशन मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे रिचार्ज करना नहीं है, आपको सिर्फ रिटेलर क्रिएट करना है। आपको ग्राहक खोजना है रिटेलर को और आपको रिटेलर क्रिएट करके छोड़ देना है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और रिटेलर क्रिएट करना है और आपको कमीशन बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर बनके। अब बात करते हैं मास्टर। अगर आप मास्टर बनते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप रिटेलर को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कंपनी के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है अभी। और ये सब चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आपको कॉल करना है और कॉल करते ही आपके आईडी को क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं रिटेलर आईडी तो रिटेलर आईडी आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि मास्टर आईडी मिले तो मास्टर आईडी भी मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम मास्टर आईडी ले लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कहां से खोजेंगे, रिटेलर कहां से खोजेंगे। तो आपको खोजना नहीं है, किस तरह से आपको काम करना है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कहां पे खोजना है। आपको घर घर जाकर के, दुकान दुकान जाकर के आपको रिटेलर नहीं बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है अगर आप मास्टर लेते हैं तो। अगर आप सुपर मास्टर लेते हैं उसका भी आपको आईडिया भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए कुछ पे करना होगा, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर और रिटेलर आईडी के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कमीशन की ओर चलते हैं, कौन कौन से आईडी लेने से आपको कितना कितना कमीशन मिल जाएंगे, तो उस पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं। अगर आप रिटेलर आईडी लेते हैं और अगर आप जियो, वोडाफोन या जो भी कंपनी है वॉल कंपनी में अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 3.5% आपको कमीशन मिलने वाले हैं पर रिचार्ज पे। जितने का आप रिचार्ज करेंगे उनमें से आप 3.5% निकाल लीजिए, आपका वो कमीशन है, ठीक है। और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 3.9% आपको कमीशन मिलने वाले हैं। अगर आप मास्टर आईडी लेते हैं तो आपका जो कमीशन होने वाला है 4.1% आपको कमीशन मिलने वाले हैं मास्टर पे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके पास है मास्टर आईडी लेने का, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने का और रिटेलर आईडी लेने का। अगर आप चाहते हैं कि हमें सुपर मास्टर आईडी मिले तो वो भी आपको आईडी यहाँ पे मिलने वाले हैं, सुपर मास्टर आईडी भी आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको 299 आपको पे करना होगा। वहां पे आपको सुपर जो मास्टर आईडी में आपको कमीशन जो मिलने वाले हैं 4.3% का आपको कमीशन मिलने वाले हैं। वहां भी एक अच्छा खासा परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं। तो एपी मनी में जो भी रिचार्ज का कमीशन है वो बेस्ट कमीशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अन्य एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सुपर मास्टर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है मास्टर क्रिएट करने का, डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने का, रिटेलर क्रिएट करने का। तो ये आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मास्टर आईडी लेते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है और रिटेलर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का लेते हैं तो रिटेलर का आपको, सिर्फ रिटेलर का आपकी क्रिएट कर पाएंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो सिर्फ रिटेलर का ही आप क्रिएट कर पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, सुपर मास्टर का आपको
299 लगने वाले हैं, और मास्टर का आपको फ्री आईडी मिलने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का आपको फ्री आईडी मिलने वाले हैं, रिटेलर का फ्री आईडी मिलने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम आईडी ले लेते हैं तो हम रिटेलर कहां से क्रिएट करेंगे, कहां से हमको लाना है और घर घर जाकर के हमको काम करना पड़ेगा, तो आपको नहीं सोचना है। आपको अधिक जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, और कैसे काम करना है उसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको कैसे कमाना है पैसे, और पैसे कमाने के बाद आपको किस तरह से काम करना है उसके बारे में भी नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस नंबर पे कॉल करेंगे।